Okay, so next topic, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन है. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन देखा, एमिसिव पावर और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का डेफिनेशन देखा था. तो नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, बहुत इजी लॉ है. तो बेसिकली ये आपको बताता क्या है, इट टेल्स यू दैट रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर. मतलब क्या, बाय डेफिनेशन रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, हम लोग इसको क्यू से डिनोट करते आ रहे हैं, तो क्यू अपॉन ए टी. एनर्जी इमिटेड इज क्यू, पर यूनिट टाइम टी और पर यूनिट एरिया ए. सो एनर्जी, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, राइट. और हमको ऑलरेडी पता है कि ये क्यू अपॉन ए टी ब्लैक बॉडी के केस में इमिसिव पावर होता है. तो बेसिकली स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको बताता है इमिसिव पावर, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको बताता है कि इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज टू 4. बहुत इजी है ये. सो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन बेसिकली टेल्स यू इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो आपको मिल जाएगा ई बी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सिग्मा विच इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट टी रेज टू 4. ओके, तो हम लोग पहले स्टेट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन. इट स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ ब्लैक बॉडी, बेसिकली इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. That is this, where Q is energy, radiant energy emitted, A is surface area of the body, small t is time for which energy is emitted, and also capital T is absolute temperature. Absolute temperature मतलब temperature measured in kelvins, that is absolute temperature. Okay, so इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, दैट इज स्टीफन्स लॉ. और बाद में हमने जो सिग्मा लिखा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट, और उसके वैल्यूज और उसके ऐसा यूनिट देखने पड़ेंगे हमको, वेयर सिग्मा इज स्टीफन्स कॉन्स्टेंट. सिग्मा की वैल्यू होती है समवेयर अराउंड 5.67×10⁻⁸, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -8 इन SI यूनिट्स. और यूनिट्स आप निकाल भी सकते हो क्योंकि क्यू मतलब जूल, क्यू इज जूल अपॉन
मीटर स्क्वायर सेकेंड, क्योंकि एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड टाइम इज इन सेकेंड, और आप बेसिकली इसको जूल अपॉन सेकेंड को वाट भी लिख सकते हो, तो वाट भी हो सकता है, सो दैट यू कैन डू. ओके, एंड केल्विन रेस टू फोर, टेम्परेचर रेस टू फोर, वो भी आएगा इसमें. क्यों आएगा वैसा? तो देखो, यूनिट्स कैसे बनाते हैं हम लोग, तो यू हैव टू नो हाउ टू मेक यूनिट्स. तो बेसिकली सिग्मा क्या आएगा यहाँ पे? ई बी अपॉन टी रेस टू फोर. बट ई बी क्या था आपका? क्यू अपॉन ए टी. तो क्या हो गया ओवरऑल? क्यू ए स्मॉल टी कैपिटल टी रेस टू फोर, तो केल्विन रेस टू फोर आएगा. या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5.67 इंटू 10^-8 जूल अपॉन सेकेंड, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेस टू फोर. तो ये ऐसा यूनिट्स है. सीजीएस में भी आप कर सकते हो, सिर्फ 10^5 में -5 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ -8. दैट आई लीव इट ऑन टू यू, आप खुद कन्वर्जन करोगे. ओके, अब हमको और एक चीज पता है. ये तो हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं ना, स्टीफन्स लॉ इज डिफाइंड फॉर अ ब्लैक बॉडी. तो ये इम्पॉर्टेंट है दैट स्टीफन्स लॉ हम लोग ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं. अगर ऑर्डिनरी बॉडी होगी तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी स्टीफन्स लॉ तो हमने डिफाइन नहीं किया, तो अभी देखते हैं कैसे आएगा. फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी ई क्या होता है, इमिसिव पावर क्या होता है? ई इंटू ई बी. ये कैसे आया? बाय डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ई इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी. ये डेफिनेशन है, अभी हमने देखा. देयर फॉर ई इज इक्वल टू ई इंटू ई बी, करेक्ट? तो क्योंकि हमने ये स्ट्रिक्टली ब्लैक बॉडी के लिए डिफाइन किया है स्टीफन लॉ, तो हम ऑर्डिनरी बॉडी को कैसे करेंगे फिर? तो ई इज इक्वल टू ई इंटू ई बी. ओके, तो ई इज इक्वल टू ई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बी इज सिग्मा टी रेस टू फोर. तो ये आ गया आपका ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्टीफन लॉ. तो जब ऑर्डिनरी बात होगी तो स्मॉल ई से मल्टीप्लाई होगा. वैसे लॉजिकली सिंपल है, हमेशा स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर देना. अगर ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ई की वैल्यू तो वैसे भी 1 होती है ना, तो फिर यू आर बैक टू दिस इक्वेशन. ओके, तो सिंपल है, स्टीफन्स लॉ क्या है? कैपिटल ई मतलब इमिसिव पावर इज इक्वल टू स्मॉल ई मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन सिग्मा टी रेस टू फोर. अगर ब्लैक बॉडी होगा तो स्मॉल ई की वैल्यू वैसे भी 1 हो जाती है, तो यू शुड नो दिस थिंग. तो बहुत सिंपल चीज है. अब हम लोग केस कंसिडर करते हैं. लेट से मैं इसको एक टॉपिक देता हूँ, हेडिंग देता हूँ, सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज, यू विल नॉट बी कंफ्यूज. तो आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक बॉडी इन अ सराउंडिंग, ब्लैक बॉडी केप्ट इन अ सराउंडिंग तो हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग इट हियर, ये एक ब्लैक बॉडी है बेसिकली, आई एम मेकिंग इट ब्लैक. और इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर दैट इज टी, और सराउंडिंग जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी जीरो. ओके, तो इस केस में क्या होता है? हीट एक्सचेंज होता है, करेक्ट? मतलब ब्लैक बॉडी जो है वो हीट इमिट करेगा क्योंकि वो टेम्परेचर टी पे है और सराउंडिंग का भी टेम्परेचर टी जीरो है. तो सराउंडिंग का जो हीट है वो ब्लैक बॉडी पे इंसिडेंट भी होगा, मतलब ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगा. तो ऐसे केस में हमको देखना है नेट लॉस ऑफ हीट और या फिर रेडिएंट एनर्जी कितना हुआ. ओके, तो यू हैव टू नो दिस थिंग, इट इज प्रिटी प्रिटी सिंपल थिंग. सो लेट्स से इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी इज केप्ट इन द सराउंडिंग्स
with temperature T zero, with temperature T zero, absolute temperature ये भी, okay, then there will be two things, एक energy emitted, एक energy absorbed. तो फिर हम लोग उस केस में basically क्या करेंगे, we will see how much is the net loss. So then energy radiated by the black body is given by energy radiated by the black body is, हमको ऑलरेडी पता है, हमने देखा है यहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड कितना होता है. अभी ये स्टीफन लॉ वही बताता है ना आपको, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड कितना, सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर, दैट इज सिग्मा इंटू टी रेस टू फोर, स्टीफन लॉ ही बताता है ये इक्वेशन नंबर वन. दूसरा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर टी जीरो है तो सराउंडिंग का हीट भी इंसिडेंट होगा ब्लैक बॉडी में, मतलब ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगा. कितना एब्जॉर्ब करेगा, सिग्मा टी जीरो रेज टू फोर. क्यों, क्योंकि टी जीरो इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. ओके, देयरफॉर व्हाट इज नेट लॉस. तो नेट लॉस आप बात कर सकते हो, नेट लॉस ऑफ एनर्जी बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज फिजिक्स. सबसे सिंपल सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ये रियल लाइफ है, इजी है ना. मेरे पास 100 रुपीज थे, मेरे पास 100 आए, ओके, और मैंने सी नेट लॉस. हाउ डू यू कैलकुलेट लॉस, दैट इज सिंपल. सिंपल क्यों है, मैंने कितना इमिट किया, सिग्मा टी रेस टू फोर, और मैंने कितना एब्जॉर्ब किया, सिग्मा टी जीरो रेस टू फोर. तो व्हाट इज नेट लॉस इज दिस, टी रेस टू फोर माइनस टी जीरो रेस टू फोर. तो ये हो गया नेट लॉस, मिल गया नेट लॉस. ये ब्लैक बॉडी का है. तो फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी नेट लॉस इज, सिर्फ आप इसमें स्मॉल ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट. सिग्मा टी रेस टू फोर माइनस टी जीरो रेस टू फोर, खत्म. ये हो गया आपका स्टीफन्स लॉ. बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको बताता है एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, दिस थिंग पर एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट इमिसिव पावर. तो ये ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, राइट. तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत सिंपल चीज है ये. फिर हमने सेम चीज ऑर्डिनरी बॉडी के लिए अप्लाई किया क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी में सिर्फ ई इज इक्वल टू ई इन टू ई बी आएगा और ई बी हमने करके रखा है यहाँ से, बस स्टीफन्स लॉ, राइट. सो लेट्स मूव टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट लास्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. और ये जो टॉपिक है ये क्लोजली रिलेटेड है आपके डे टू डे लाइफ से, वेरी क्लोजली रिलेटेड. वाई, अभी ठंड आने वाली है, समझिएगा. आपको ठंड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहाते वक्त पानी गर्म लेते हैं, ओके. एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे जो पहले भी की होगी, जितना ज्यादा गर्म पानी होता है ना उतना जल्दी ठंडा हो जाता है वो. सो इट्स बिकॉज ऑफ फिजिक्स, इट्स बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको क्या बताता है, ये बताता है आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स. या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलने जाए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को बताता क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट
मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोल रहा हूँ, मैं रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर नहीं बोल रहा हूँ। हम लोग प्रूव करेंगे कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, एंड रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जो गर्म पानी है सपोज वो 90 डिग्री सेल्सियस पे है, माइनस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो थीटा जीरो 27 डिग्री मान लो, 25 डिग्री मान लो, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा जीरो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जितना पानी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा। क्यों? दो एग्जाम्पल, अगर मैंने 90 डिग्री पर रखा और रूम टेम्परेचर 25, नॉट रूम टेम्परेचर बट सराउंडिंग टेम्परेचर 25, तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 65। अगर मैंने पानी को 80 डिग्री पर रखा था और सराउंडिंग फिर भी 25 था, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 55 मोर और लेस, राइट। तो ऐसा है कि जितना बॉडी में और सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा है, उतना जल्दी हीट का लॉस होगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसलिए नॉर्मली हमको ऐसा बोला जाता है कि ठंड में गर्म पानी करते वक्त जब गर्म पानी आप टैप से नलके से निकालते हो तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी मिक्स करते जाओ, क्योंकि देन सराउंडिंग के टेम्परेचर में और उस गर्म पानी के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना जल्दी ठंडा हो जाएगा पानी। इट इज़ द आइडिया। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है तो कॉन्स्टेंट लिखना पड़ेगा, थीटा माइनस थीटा जीरो। लेट्स से इक्वेशन नंबर वन। ओके, बट व्हाट वी नो इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, बट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज गिवन बाय एम। ये एम क्या मैं बताऊंगा, इज मास ऑफ बॉडी, बेसिकली जो बॉडी है उसका मास है, जैसे पानी होगा तो पानी का मास, इंटू स्पेसिफिक हीट सी इंटू डी थीटा बाई डी टी, वेयर डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। सो वेयर एम इज मास ऑफ बॉडी, सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डी थीटा बाई डी टी इज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब हीट हर सेकेंड में कितना लॉस हो रहा है, और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर मतलब हर सेकेंड में टेम्परेचर कितना फॉल हो रहा है, तो ये इसका मतलब समझ लो। बाई द वे ये रेट ऑफ फॉल ऑफ हीट मतलब डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एम सी डी थीटा बाई डी टी, इक्वेशन टू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू व्हाट वी कैन गेट इज, फिर हम लोग डी क्यू बाई डी टी को लिखेंगे एम सी डी थीटा बाई डी टी विच इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा जीरो। तो हमको मिलेगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के अपॉन एम सी थीटा माइनस थीटा जीरो। के कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स therefore d theta by dt is proportional to theta minus theta zero। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अल्टरनेट डेफिनेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, राइट। या फिर रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग। एक्सेस मतलब ज्यादा, किसका टेम्परेचर ज्यादा था, बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, किसका एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी का, ऑफ द बॉडी, अगेंस्ट विच, अगेंस्ट सराउंडिंग, सो ओवर द सराउंडिंग। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं ओरिजिनल स्टेटमेंट लिख देता हूँ इसका। सो इट स्टेट्स दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट
बाय द बॉडी, बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स, ओवर द सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड, ये लिखा नहीं, प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल, प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल, मतलब डिफरेंस ये स्मॉल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी 10,000 केल्विन पे है और सराउंडिंग्स 25 केल्विन पे है। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब समवेयर अराउंड 300 केल्विन पे है, ओके, समवेयर अराउंड रफली, तो ऐसा नहीं चलेगा, डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए, ओके। ये लिखा मैंने, टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर टू द बॉडी ओवर द सराउंडिंग, इसको आप अलग भाषा में भी लिख सकते हो। यू कैन से इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स, यू कैन से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, ऐसा भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड द डिफरेंस इज स्मॉल, लिख सकते हो ऐसा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो परमिटेड, ओके। अब अल्टरनेट डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैन बी स्टडीड एज, कैन बी स्टडीड एज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फॉल ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वापस से वही, टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर द सराउंडिंग्स, ओवर द सराउंडिंग्स प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल, और यू कैन से, और इट कैन बी स्टेटेड एज, इट कैन बी स्टेटेड एज रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surroundings provided the difference is small, provided the difference is small। तो न्यूटन्स लॉ के दो ड्रॉबैक भी है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक तो नहीं बोल सकते क्योंकि ड्रॉबैक एक्सपेरिमेंट्स के होते हैं बेसिकली, ये तो चीज है जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते बेसिकली। देर आर टू लिमिटेशन, एक सराउंडिंग और बॉडी टेम्परेचर का डिफरेंस कम होना चाहिए जैसे हमने मेंशन किया। दूसरा, ये जो एक हॉट बॉडी से सराउंडिंग बॉडी में जो हीट का या लॉस होता है, तो टेम्परेचर फॉल होता है, ये कंडक्शन या कन्वेक्शन से होता है, इट हैज नथिंग टू डू विद रेडिएशन, राइट? इट हैज
लाइक इट हैज नॉट नॉट नथिंग टू डू बेसिकली, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है इसलिए रेडिएंट एनर्जी की बात होती है ना, बॉडी हॉट है इसलिए रेडिएंट एनर्जी की बात आती है, लेकिन जो लॉस हो रहा है ना वो कंडक्शन या कन्वेक्शन से हो रहा है, तो ये दो लिमिटेशन है उसके। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ योर थर्ड चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। नेक्स्ट चैप्टर विल बी थर्मोडायनामिक्स। ऑल राइट।